हमें क्वेश्चन दिया है इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए बी सी ये क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है और दिया है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इंटरसेक्ट सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट पॉइंट पी। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है बी पी ये क्या है एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है और ये सर्कम सर्कल को पॉइंट पी में मीट करता है। और पूछा है क्या प्रूव करना है प्रूव दैट सी क्यू सी क्यू इक्वल टू सी ए। हमें क्या करना है दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमें करना क्या हुआ हम देखेंगे। और मैंने पहले भी बताया था कि ज्योमेट्री में अगर हमको सम सॉल्व करना है कुछ प्रूव करना है तो हमको रिवर्स प्रोसेस यूज करना पड़ता है रिवर्स थ्योरी यूज करना पड़ता है। तो कैसे देखो हमें क्या करना है सी क्यू और सी ए इक्वल करना है। इसका मतलब भी ट्राइंगल क्या होगा आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं और उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा हम क्या दिखाएंगे कि एंगल सी ए क्यू एंगल सी ए क्यू इक्वल टू एंगल सी क्यू ए। अगर ये हम दिखाएंगे तो अल्टीमेटली सी क्यू और सी ए भी इक्वल हो जाएगा आइसोसेलिस ट्राइंगल थ्योरम से। तो पहला हमें पता चला कि हमारा उद्दिष्ट क्या है हमारा प्लान क्या है हमारा प्लान सी ए क्यू और सी क्यू को हमें इक्वल दिखाना है। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं दोनों एंगल को। तो अगर हम देखेंगे एंगल सी ए क्यू ये एंगल एंगल सी ए क्यू इसका करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है पी सी। तो अगर ये सर्कल में देखेंगे और एक दूसरा एंगल है वो एंगल है सी बी पी उसका भी करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है पी सी ए। तो एंगल्स इंस्क्राइब इन द सेम आर्क। तो हमें क्या मिलेगा कि एंगल सी ए क्यू is equal to angle CBP, CBP और equal to और ये पूरा angle B कितना है पूरा angle B ये equilateral triangle का angle है और equilateral triangle का angle 60 degree होता है और ये bisector है तो ये 30 होगा ये 30 होगा इसका मतलब ये angle कितना हो जाएगा 30 degree। तो हमें CAQ 30 degree मिला। तो हमें भी CQA को भी 30 degree दिखाना पड़ेगा या फिर ACQ को हम find करेंगे angle ए सी क्यू। तो बेहतर है कि हम एंगल ए सी क्यू की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे हम ये सम में देखेंगे। तो ये तीन स्टेप है सबसे पहले हम क्या करेंगे पहले इसको देखेंगे पहले ये करेंगे वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी देखो हमें दिया क्या है क्या दिया है ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए बी सी क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये तो गिवन है। देयरफॉर तो क्या है देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री ब्रैकेट में क्या एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री होती है। तो देयरफॉर ओके और हमें क्या दिया है इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर वन। और हमें क्या दिया है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। देयरफॉर तो देखेंगे कि एंगल सी बी पी एंगल सी बी पी इक्वल टू एंगल सी बी पी कितना रहेगा एंगल सी बी पी इक्वल टू हाफ एंगल बी ब्रैकेट में रीजन क्या कि बी पी इज द एंगल बाइसेक्टर बी पी क्या ये एंगल बाइसेक्टर है बी पी इज द एंगल बाइसेक्टर। देयरफॉर एंगल सी बी पी इक्वल टू कितना आएगा हाफ इंटू एंगल बी की वैल्यू कितना है 60 डिग्री ब्राउन वन ओके। देयरफॉर एंगल सी बी पी इक्वल टू कितना आएगा 30 डिग्री ये होगा इक्वेशन नंबर टू। तो हमें कितना मिला सी बी पी इक्वल टू 30 डिग्री ओके। तो ये हमने फाइंड कर लिया ओके ये हमने फाइंड कर लिया सी बी पी। तो अगर देखेंगे देयरफॉर अभी क्या है एंगल सी ए क्यू एंगल सी ए क्यू इक्वल टू एंगल सी बी पी ओके इक्वल टू 30 डिग्री ब्रैकेट में रीजन क्या एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क
angle inscribed in the same mark. इसको equation number 3b. अभी एक एंगल है, अभी एंगल ए सी क्यू के हम वैल्यू फाइंड करेंगे. अगर हम देखेंगे एंगल ए सी क्यू, अगर हम ट्राइंगल ए बी सी देखेंगे, ए बी सी, तो साइड बी सी एक्सटेंड हो रहा है और एंगल ए सी क्यू फॉर्म हो रहा है. तो एंगल ए सी क्यू एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ए सी क्यू एक्सटीरियर एंगल है. तो अब देखेंगे एक्सटीरियर एंगल नाम का एक थ्योरम है. तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है कि उसका एडजेसेंट एंगल है उसको छोड़कर बाकी बचे हुए दोनों एंगल ट्राइंगल में, ओके, जिस ट्राइंगल का वो एक्सटीरियर एंगल है उसके एडजेसेंट एंगल छोड़ के बचे हुए दोनों एंगल के सम के बराबर एक्सटीरियर एंगल होता है. तो एंगल ए सी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी, सॉरी एक मिनट, ए बी बराबर नहीं है, प्लस एंगल ए बी सी ब्रैकेट में क्या, बाय एक्सटीरियर एंगल, ओके. देयरफॉर फिर एंगल ए सी क्यू की वैल्यू कितनी है कि एंगल ए सी क्यू इक्वल टू एंगल बी ए सी, बी ए सी ये एंगल, एंगल बी ए सी कितना है 60 डिग्री है, प्लस एंगल ए बी सी, ए बी सी भी कितना है 60 डिग्री है. हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम वन, हमने लिखा है वन में, क्योंकि एंगल ए बी सी दोनों एंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल है. तो देयरफॉर एंगल ए सी क्यू इक्वल टू 60 प्लस 60 कितना आएगा 120 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री. इसको नेक्स्ट इक्वेशन हम इक्वेशन नंबर 4 ले सकते हैं, ओके ओके. अब देखेंगे हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी क्यू लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी क्यू. तो देखो इन ट्राइंगल ए सी क्यू क्या है, एंगल ए सी क्यू प्लस एंगल, देखो ए सी क्यू प्लस एंगल कौन सा है, सी ए क्यू प्लस एंगल सी ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू सी प्लस एंगल ए क्यू सी, ये तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना आएगा 180 डिग्री. ब्रैकेट में क्या, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये आप लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है सॉरी इसके लिए. तो अगर हम देखेंगे ए सी क्यू, ए सी क्यू की वैल्यू हमने फाइंड की, उसकी वैल्यू कितनी है हमें 120 डिग्री, प्लस सी ए क्यू, सी ए क्यू की वैल्यू हमने फाइंड की थी, सी ए क्यू इधर है, सी ए क्यू बी पी सी पी पी कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना आएगा 30 डिग्री, प्लस एंगल ए क्यू सी, ए क्यू सी तो कितना आएगा, एंगल ए क्यू सी इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर अगर हम देखेंगे एंगल ए क्यू सी की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री माइनस 120 प्लस 30 150 इधर आएगा तो माइनस 150. देयरफॉर एंगल ए क्यू सी इज इक्वल टू कितना आएगा 30 डिग्री, कितना आएगा 30 डिग्री. तो मैं ये रब करता हूँ इधर का, तो देखो देयरफॉर हमें ए क्यू सी, अभी हम ये ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए सी क्यू, इन ट्राइंगल ए सी क्यू एंगल ए क्यू सी इक्वल टू, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 देता हूँ, एंगल ए क्यू सी सी सॉरी ए क्यू सी इक्वल टू, देखो ए क्यू सी मतलब ये इक्वल टू क्या आएगा, सी ए क्यू, सी ए क्यू इक्वल टू 30 डिग्री, ब्रैकेट में फ्रॉम 3 एंड 5, फ्रॉम 3 एंड 5, ओके. देयरफॉर देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, अभी देयरफॉर अगर कोई भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. देयरफॉर क्या आएगा, सी क्यू इक्वल टू सी ए, ए क्यू सी, ए क्यू सी के ऑपोजिट कौन सा है, सी ए है, तो हम पहले सी ए लिखेंगे, दोनों में भी लिखेंगे चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है. तो ए क्यू सी, ए क्यू सी के ऑपोजिट कौन सा है, सी ए, देयरफॉर सी ए इक्वल टू सी क्यू ब्रैकेट में रीजन क्या, बाय आइसोसेलस
triangle theorem, okay, that is kya aayega, CQ is equal to CQ equal to CA, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ओके तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस सम को प्रूव कर सकते हैं। और याद रखो ज्योमेट्री के सम अगर कोई भी सॉल्व करना है तो उसको रिवर्स प्रोसेस अपनाना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्स प्रोसेस अपनाना पड़ता है तो सम इजी हो जाता है। तो मैंने गड़बड़ भी किया है और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने इधर उधर मुझे स्पेस नहीं मिली थी लिखने के लिए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और होप सो कि आप ये सम समझ गए होंगे। थैंक यू।